आबादी कंट्रोल ते बिहार ते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दे बयान नूं लै के सियासी विवाद खड़ा हो गया है। इसे दरमियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नीतीश ते हमला बोलिया है। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के गुणा विच चोण रैली नूं संबोधन करदिआं कहा कि इंडिया गठजोड़ दे नेता ने विधानसभा दे अंदर मामा भैणां बारे अजिही शब्दावली वरती है, उन्हां नूं शर्म नहीं आउंदी, दुनिया विच बेइज्जती करवा रहे हो। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अजिहे नेता मामा भैणां दा की भला कर सकदे हन। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडिया गठजोड़ दे नेता झंडा लैके घूम रहे हन, जो देश दी मौजूदा सरकार नूं उखाड़ सुट्टण लई कई खेडां खेड रहे हन। वो इंडिया गठजोड़ दे नेता ने विधानसभा दे अंदर जिथे मामा भैणां भी मौजूद सन, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि अजिही भाषा विच गंदियां गल्लां कीतियां। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडिया गठजोड़ दा एक भी नेता मामा भैणां दे अपमान खिलाफ एक शब्द बोलण नूं तैयार नहीं है। जो मामा भैणां प्रति अजिहे सोचदे हन, वह की तुहाडा भला कर सकते हैं, तुहाडी इज्जत कर सकते हैं, किन्ना हेठा डिगोगे, दुनिया विच देश की बेइज्जती करवा रहे हो, शर्म आनी चाहिए है। जो इंडिया अलायंस का झंडा लेकर के घूम रहे हैं, जो देश की वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भांति भांति के खेल खेल कर रहे हैं, वो इंडिया अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की, कोई शर्म नहीं है उनको। इतना ही नहीं, इंडिया अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। जो माताओं बहनों के प्रति ये दृष्टिकोण रखते हैं, वो कभी आपका भला कर सकते हैं? माताएं बहने वे आपका भला कर सकते हैं? पूरी ताकत से बताइए, कर सकते हैं? वो आपकी इज्जत बचा सकते हैं? वो आपका सम्मान कर सकते हैं? वो आपका गौरव कर सकते हैं? कैसा दुर्भाग्य आया है देश का, कितने नीचे गिरोगे और दुनिया में देश की बेइज्जती करा रहे हो। मेरी माताएं बहनें, मैं आपके सम्मान के लिए मुझसे जो हो सकेगा कभी पीछे नहीं हटूंगा, मैं विश्वास।